कैमरा 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 चलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल एंड यू आर वाचिंग मी शाहिद वीसीपी। तो फाइनली वापस से जो है निंजा निकल चुकी है। कोई तो मुझे कमेंट किया था कि भाई निंजा कब आएगी वापस। निंजा तो कहीं गई नहीं थी वैसे। निंजा कब निकलेगी। तो फाइनली देखो निंजा निकल चुकी है और मैं निकला हूँ अभी नासिक के लिए। तो अभी टाइम हो रहा है 6:52 और रात का टाइम है, तो शायद ज़्यादा दिखेगा नहीं क्योंकि 7 तो ऐसे ऑलरेडी बज चुका है। थोड़ी देर में और अंधेरा हो जाएगा। अगर थोड़ा और पहले निकले रहता 6 बजे के आसपास तो कम से कम उजाले में ब्लॉक हो जाता। लेकिन कोई नहीं, अभी जिस तरीके से काम है उसी तरीके से निकला जाएगा। और बाइक तो बहुत वैसे बहुत दिन से खड़ी है। ओह माय गॉड, यहाँ पे मैंने गुटखा का कुछ डाला था तंबाकू, वो निकाला नहीं है अंदर से। तो अभी वो अंदर से वो निकालना पड़ेगा। निकाल के रखा रहता तो अच्छा रहता। क्या चूहे के लिए लगाता हूँ तंबाकू ताकि चूहे वायरिंग ना काट दे। तो अभी निकालना भूल गया हो तो अंदर ही रह गया है। और ये गर्मी, ये जैकेट की गर्मी जो पड़ रही है अंदर से, पहले इसको निकाला जाए। इसके लिए इसको ग्लव्स निकालना पड़ेगा पहले। पूरा खुल के अंदर पड़ा रह गया है कचरा। चलो कोई बात नहीं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अभी टाइम हो रहा है 7:03 और मैं यहाँ से भिवंडी से निकल गया। अभी हूँ बाईपास पे और राइड यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। फुल गियर जो है मैंने डाला है, नी पैड भी है और राइडिंग जैकेट और ख़ास करके सोलो राइड है तो इसके लिए सब मैंने गियर डाल के रखा है क्योंकि थोड़ा सा स्पीड ज़्यादा रहेगा। जब निकला था तो टाइम हो रहा था 7:02। अब टाइम हो गया है 7:10। अभी तक भिवंडी भी क्रॉस नहीं किया हूँ और बज रहा है 7:13। यहाँ से नासिक है 122 किलोमीटर दूर। 122 किलोमीटर नहीं जाना है, 112 किलोमीटर जाना है। टाइम हो रहा है 7:15। देखते हैं कितने टाइम में पहुंचता हूँ। अभी आ गया हूँ पड़गा टोल नाके पे और टाइम हो रहा है 7:19। इतना जाम क्यों है। बाइक की जगह भी घेर लो, आराम करो, साइड में चलाना रे तेरी। ये देखो यहाँ अटका दिए, सोचा कि टोल बचा लूँगा, यहाँ लाके अटका दिया। बच गया तेरा टोल। टोल बचाने के लिए यहाँ से घुसेड़ दिया। अरे 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 अरे,
कैसे चला रहा भाई, कैसे चला रहा है। अभी काम हो गया होता इसका। थोड़ा सा बचा है। बहुत खतरनाक चला रही है। कौन है भाई ये? फोर व्हीलर टू व्हीलर कैसा नचा रहा है? इसको लगता बहुत ज्यादा खाई है। इसको मेरे से भी ज्यादा खाई है लग रहा है। अगर आपको मीटर में दिखा होगा तो ठीक है, लेकिन अंधेरे में को नहीं लगता दिखा होगा। 158। वो रोड खाली नहीं मिला नहीं तो 168 पहुंचा देते। क्या भाग रही है यार, क्या भाग रही है। बस इसी के लिए निंजा बनी है। अगर जल्दी पहुंचना है तो निंजा निकालो, लेकिन इतना है कि सेफ राइड करो। टाइम हो गया है 8 बज चुका है और मैं कसारा घाट पहुंच चुका हूं। तो टाइम हो रहा है 8:07। यहां पे जो है 7 मिनट का ब्रेक लिया ताकि कॉल लगा सकूं। सात आठ मिनट के ब्रेक में तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाता है। वैसे मैं निकला था कुछ 7:07 में। पूरे 1 घंटे हो गए हैं और 1 घंटे में मैं पहुंचा हूं कसारा घाट। तो ये जो ब्लॉग जो है वो शॉर्ट ही रखूंगा। राइड लॉन्ग है लेकिन वीडियो शॉर्ट रखूंगा, क्योंकि अंधेरा होने की वजह से जो है व्यूज़ दिखेंगे नहीं और ना ही रोड का कुछ सीन दिखेगा। तो ये सब सीन डाल के मतलब नहीं है, कुछ दिखेगा नहीं तो ब्लॉग भी अच्छा नहीं लगेगा। तो खाली जो है मैं आप लोगों को अपडेट देखते रहूँगा कि मैं कहाँ पहुँचा हूँ। बस पता नहीं कौन सा टोल नाका है। तो ये टोल नाका मैं क्रॉस कर चुका हूँ और टाइम हो रहा है 8:25। ए तेरी की, कैसा 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 चला रहा है। और मैं पहुंच गया करिश्मा ढाबा। अभी टाइम हो रहा है 8:44 और मैं यहाँ भिवंडी से निकला था कुछ 7:04 या 7 मिनट याद नहीं है। फाइनली मैं यहाँ पहुंच गया। एकदम सामने की तरफ लगाना है, चलो ठीक है।
फाइनली आई एम हियर। काफी भीड़ है भाई, काफी भीड़ है।